तो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम देखेंगे हुंडई वेन्यू की हेडलाइट्स के फीचर्स। तो यहाँ से आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ देख रहे होंगे आप, इसमें तीन मोड्स दिए गए हैं। पहला तो ऑफ है, आप इसको ऑटो में रख सकते हैं। ऑटो में ये खुद ही सेंस करेगा आपका सेंसर से और आपकी लाइट ऑन कर देगा। अपर डिपर नहीं करेगा, लाइट ऑन करेगा। जैसे शाम हो जाती है उसी टाइम कर देता है ये, अराउंड 6 से 7 बजे के। तो ये वाला जो है वो सिर्फ डिफॉगर के लिए है। यहाँ से आप डिफॉगर को ऑन ऑफ कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ से ऑन ऑफ, ये इसका लाइट ब्लिंक कर रहा है यहाँ पर, तो ऑन ऑफ कर सकते हैं आप। और ये वाला जो है ये मेन हेडलाइट लिए, ये देख सकते हैं मेन हेडलाइट ऑन हो जाती है इससे। ये अभी अपर है और ये डिपर है। तो इसका मैं आपको एक फीचर बताता हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं इनकी विजिबिलिटी कुछ इतनी है। अब मैं जैसे इसका स्टेयरिंग मोड़ूंगा तो इसके कॉर्नरिंग लैम्प जल जाएंगे। और देखिए यहाँ पर आप देखना, कॉर्नरिंग लैम्प जलेंगे तो उसका लाइट आएगा। ये देखिए, ये मोड़ा मैंने स्टेयरिंग और ये देख सकते हैं आप, कॉर्नरिंग लाइट जल गई। अब मैं लेफ्ट साइड स्टेयरिंग मोड़ूंगा और देखिएगा आप, इधर लाइट जलेगी। ये देखना आप, ये देख सकते हैं आप, यहाँ की कॉर्नरिंग लाइट जल गई है लेफ्ट साइड की, यहाँ पर लाइट आ गई, देख सकते। तो ये बहुत ही बढ़िया फीचर है, बहुत काम आता है जब आप टर्न लेते हैं कहीं पर। तो ये विजिबिलिटी बहुत ही बढ़िया कर देता है, आपको हर तरफ का एंगल का दिख जाता है, कहाँ क्या है आप आसानी से देख सकते हैं, लेफ्ट साइड राइट साइड का। तो ये फीचर इस सेगमेंट में सिर्फ वेन्यू में आता है और किसी गाड़ी में नहीं आता। मैं आपको ये एक बार फिर से दिखा देता हूँ। देखिए, मैं स्टेयरिंग राइट मोड़ूंगा, देखिए राइट का कॉर्नर लैम्प जल गया। अब ये थोड़ी देर बाद बंद हो जाता है, आप स्टेयरिंग सीधा करेंगे, अब सेंटर पोजीशन पर ला देंगे स्टेयरिंग को तो ये बंद हो जाएगा। और अभी देखिए, मैं लेफ्ट साइड घुमाऊंगा स्टेयरिंग को, ये देखिए लेफ्ट साइड का कॉर्नरिंग लाइट जल गई है। अब जो दूसरा फीचर है इसका, वो है कि अगर आप गाड़ी की लाइट्स हेडलाइट जो है ऑन छोड़ देते हैं। देखिए अभी गाड़ी के हेडलाइट्स ऑन है, ये देख सकते हैं आप ये। और अगर अभी देखिए इंजन भी ऑन है, अब मैं गाड़ी बंद कर दूंगा, ये देखिए, तो इसके हेडलाइट्स ऑन ही रह जाते हैं। तो ये 20 सेकेंड्स बाद खुद ही बंद हो जाएंगे, ये देखिए अभी खुद ही बंद हो जाएंगे, देखना, ये देखिए बंद हो गए। और अगर मैं अभी फिर से चालू करके दिखाता हूँ, अभी देख ली मैंने एक और बार ऑन कर दिया है हेडलाइट्स को। और अगर आपको इसको बंद करना है तो आपको, मतलब ये आप इसको लॉक करेंगे तो ये देखिए खुद ही बंद हो जाएगी ये। तो ये भी बहुत बढ़िया फीचर है। एक और मैं बताता हूँ आपको, अगर आप जैसे गाड़ी को अनलॉक करते हैं, अगर आप इसको ऑटो पर छोड़ते हैं, ये देख सकते हैं आप, ये जो है ये, अगर आप इसको ऑटो में छोड़ेंगे और आपने गाड़ी ये लॉक कर दी, आपने गाड़ी, देखिए अभी गाड़ी लॉक है, आप जैसी गाड़ी अनलॉक करेंगे तो ये देखिए इसके लाइट्स ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएंगे। इसका सेंसर है वो सेंस करेगा, ऐसा भी रात है तो ये ऑन हो गए। और अगर आप दिन में करेंगे तो सिर्फ इसके ये जो DRL है यही बस ऑन होते हैं। तो ये भी बहुत बढ़िया फीचर है। ये देखिए 20 सेकेंड्स बाद मैंने बोला था बंद हो जाते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा फीचर है। तो कैसा लगा आपको ये फीचर जरूर बताइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही था, लाइक शेयर जरूर कर सकते, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर आपके पास वेन्यू है, और नहीं भी है तो, और कुछ फीचर जानने के लिए। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।